हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई मैग्नस क्लासेस। आई मैग्नस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई मैग्नस के द्वारा जो आपके लिए सीरीज चल रही है रोजगार और निर्माण, उसके लिए मैं आप टॉपिक लेके आया हूँ आपको इंडिया जीके के। ठीक है, तो आपको देखिए कितनी डाइवर्सिटी मिल रही है, कितनी वेरायटी मिल रही है आपको क्वेश्चन में। क्लियर, पहले आपको स्पोर्ट्स के मिले, फिर आपको ज्योग्राफी के मिले, फिर आपको एमपी के मिले, अब इंडिया के जीके के हैं। ठीक है, अब जीके का मीन्स आपको इसमें मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें हिस्ट्री के दिखेंगे, कुछ आपको ज्योग्राफी के दिखेंगे, कुछ आपको पॉलिटी के मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। क्लियर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब ऑलमोस्ट सारी वैरायटी को ये कवर करेगा। क्लियर, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हड़प्पा वॉज डिस्कवर इन 1921। ठीक है, तो हड़प्पा आप जानते हो, तो 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया था, अपने भारत की जो पहली सभ्यता थी। ठीक है, उसे अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें जो 1921 में जो हड़प्पा मिला था, ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपसे पूछा है। हिंदी में देखिए, 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, ऑप्शन है आपके एम सी मजूमदार ने, बीबी लाल ने, दयाराम साहनी ने, या यज्ञ दत्त शर्मा ने। ठीक है, इनमें से किसने की थी जो हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी 1921 में, इसको किसके द्वारा खोजा गया था, दयाराम स्वामी के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए, हड़प्पा वॉज डिस्कवर फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1921 बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में हड़प्पा खोजा गया। क्लियर, आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, भारत में आप जानते होंगे कि 1921 से पहले जब अपन अपनी हिस्ट्री पढ़ते थे, तो अपन पहले हिस्ट्री का जो टॉपिक होता था वो अपन वैदिक काल पढ़ते थे। 1921 में एक बहुत बड़ी चीज हुई जिसमें अपन को हड़प्पा अपने साइड मिल गई। ठीक है, एक्सकेवेशन हुआ, आप जानते होंगे कि जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी, तो जब खुदाई हुई तो उसमें एक शहर, पूरा शहर ही मिल गया जो हड़प्पा कहलाया। ठीक है, इसलिए इसको आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को या सिंधु घाटी सभ्यता को अपन दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से जानते हैं, क्योंकि पहले ही यहाँ पे शहर कौन सा मिला था, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे खोजा गया था हड़प्पा। और आप जानते होंगे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये कैसी सभ्यता थी, ये आपकी अर्बन सभ्यता थी, मतलब ये शहरी सभ्यता थी। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे पता चलता है कि भारत के अंदर जो पहले था वो क्या अर्बन शहर था, भारत के अंदर पहले शहरी सभ्यता आई थी। क्लियर, तो ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप है। ठीक है, जो कि हड़प्पन साइट्स अपन को मिली है, जो मेजोरिटी कहां पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में मिली है। ठीक है, जो इंडस रिवर है, क्योंकि आपने जितनी भी सभ्यता देखी होंगी दुनिया की, जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, ये सब कहां पे हैं आपके, किसी ना किसी नदी के ऊपर है। ठीक है, जैसे आप जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, टिग्रस नदी पे थी। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये इंडस नदी के पास थी, इसलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन बोला गया। क्लियर, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ शहर हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं और ये कहां कहां से मिले, ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर, तो चलिए एक एक करके अपन सारे इंपॉर्टेंट शहर देख लेते हैं कि कहां पे कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, विद मैप देखेंगे तो आपको विजुलाइजेशन में कंफर्टेबल रहेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले 1921 में ही कौन सा शहर मिला, हड़प्पा मिला। ठीक है, हड़प्पा मिला आपका, ये कहां पे मिला आपको, पाकिस्तान में, ये दिख रहा होगा, देखो आप हड़प्पा। क्लियर, रावी नदी के ऊपर आपको हड़प्पा। फिर आप दूसरा देखिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, 1922 में अगले साल ही मोहनजोदड़ो, जो कि किसके द्वारा, आर डी बैनर्जी के द्वारा खोजा गया। ठीक है, हड़प्पा तो आपका किसके द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा, और अगले साल ही 1922 में आर डी बैनर्जी के द्वारा दूसरा शहर खोजा गया जो कि था मोहनजोदड़ो। तो ये देखिए आपको ये मोहनजोदड़ो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, इंडस नदी पे आपका मोहनजोदड़ो। क्लियर, फिर इसके बाद आप देखिए 1929 में सुरकोटडेरोर, ये कहां पे मिला आपका। ठीक है, एनजी मजूमदार के द्वारा खोजा गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए चानूदड़ो। ठीक है, चानूदड़ो भी आपको कहां पे मिला, इंडस वैली पे। ठीक है, इंडस रिवर पे मिला, ये देखिए चानूदड़ो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको चानूदड़ो आप देखिए कहां पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देख लेना आप। क्लियर, फिर आप नेक्स्ट देखिए कालीबंगान। ठीक है, कालीबंगान ये कहां पे आप मिला था आपका, ये इंडिया में मिला था, इंडिया के राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपको कालीबंगान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए जरा कालीबंगान। क्लियर, नेक्स्ट देखिए लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथल एक इकलौती यहाँ की कैसी थी, पोर्ट सिटी थी। ठीक है, बंदरगाह था लोथल में। कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सा शहर था जो बंदरगाह था। ठीक है, तो कौन सा था, लोथल था, और ये कहां पे मिला था, गुजरात में। ठीक है, और ये आर राव के द्वारा खोजा गया था। ये देखिए आपको इसमें मिलेगा, आपको गुजरात में देखिए, ये दिख रहा है आपको पोर्ट सिटी लोथल। क्लियर, इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा बनबाली। ठीक है, बनबाली आपका कहां पे, हरियाणा में। क्लियर, ये देखिए आपको बनबाली दिख रहा होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए धौलाबीरा। ठीक है, धौलाबीरा कहां पे आपका,
ठीक है, धोलावीरा देखिए, ये भी आपका यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, ये देखिए धोलावीरा, ये दिख रहा होगा आपको गुजरात में, क्लियर। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे इसके, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है आपका राखीगढ़ी जो राजस्थान में, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शहर थे और किसके द्वारा ये खोजेगा ये अपन ने डिस्कस कर लिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप ये सब चीजें नोट करके रखिए कि कौन सा शहर खासकर ये हड़प्पा और जो मोहन जोदड़ो है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टू सिटीज थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपको ये मार्क करके भी रखना है किसकी, जैसे कि ये रावी नदी पर, ये इंडस रिवर पर, ठीक है। और ये आपके लिए लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोथल एक पोर्ट सिटी था और ये किस नदी पे था, ये भोगबा रिवर पे था, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया आपसे कि जो लोथल था ये किस नदी पे था, तो आपका भोगबा रिवर पे था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड नादिर शाह अटैक दिल्ली, ठीक है, आप जानते होंगे नादिर शाह एक बहुत आक्रमणकारी था, इसने दिल्ली पे कौन से सन में हमला किया था, हिंदी में देखिए, नादिर शाह ने दिल्ली पर किस बार आक्रमण किया था, 1718 में किया था, 1821 में किया था, 1739 में, 1739 में किया था, 1827 में किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 1739 में, ठीक है। तो 1739 में हमला किया गया था नादिर शाह के द्वारा, ये देखिए नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739, तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1739। ये देखिए द नादिर शाह पर्शिया, ठीक है, द शाह ऑफ पर्शिया फाउंडर ऑफ द ईरानियन अफिसाइद डायनेस्टी, ठीक है, ये पर्शियन था और अफिसाइद डायनेस्टी का क्या फाउंडर था, ठीक है। अटैक्ड दिल्ली इन मार्च 1739, ठीक है, तो मार्च 1739 में इसने दिल्ली पे आक्रमण किया, ठीक है, दिल्ली पे आक्रमण किया। और आप जानते होंगे दिल्ली से ये, ठीक है, दिल्ली का आप जानते होंगे एक बहुत फेमस, ठीक है, सबसे फेमस आप जानते होंगे जो कोहिनूर हीरा है, ठीक है, नादिर शाह टुक अवे द फेमस कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर डायमंड, ठीक है, आप जानते होंगे कोहिनूर डायमंड, इसी को चुरा ले गया था नादिर शाह जब इसने भारत पे हमला किया और ये ले गया, ठीक है। इसी के साथ साथ ये क्या ले गया, पिकॉक थ्रोन, ठीक है, जिसे तख्ते तोस कहा जाता था, ये भी भारत से ले गया था, क्लियर। और आप जानते होंगे जो कोहिनूर आज प्रेजेंट में कहां पे है, ये क्यून एलिजाबेथ की जो वो है, आप जानते होंगे जो क्यून है ब्रिटेन की, उनके जो ये है क्राउन है, उसमें ये आपका कोहिनूर लगा हुआ है, ठीक है। आप जानते होंगे कोहिनूर आपको कहां से मिला था, ये आपको इंडिया के जो गोलकोंडा की माइंस है वहां से निकाला गया था, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है कोहिनूर, क्लियर। तो ये पहले नादिर शाह ने भारत से ले जाके ये पर्शिया, उसके बाद ये वापस भारत में आया रंजीत सिंह के टाइम पे, और फिर ब्रिटेन के टाइम पे जब ब्रिटिशर अपने भारत में आए, फिर से ब्रिटेन से इंडिया से बाहर चला गया और आज प्रेजेंट में कहा है क्राउन के जो ये ब्रिटिश की क्यून है उनके जो क्राउन है उसमें लगा हुआ है, क्लियर, उनका ताज है उसमें लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटली द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो अपन मगर इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अपन देखेंगे जो आप जानते होंगे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पूरी कैबिनेट देखेंगे और आज प्रेजेंट में किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा मंत्रालय है, वो पूरा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मंत्रालय से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में रेलवे मंत्री कौन है, प्रेजेंट में आपका होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो पूरा अपन डिटेल में देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। हिंदी में देखिए, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं आपके लव अग्रवाल, राजीव गावा, एस जयशंकर या मुख्तार अब्बास नकवी, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आप जानते होंगे क्वेश्चन तो केवल अपने लिए एक रेफरेंस रहता है, ठीक है, मगर अपन जो डिटेल में होलिस्टिक कवरेज देखते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अपन पूरा 360 कवरेज लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आप जानते होंगे जयशंकर जी, एस जयशंकर जी प्रेजेंट में अपने क्या होम मिनिस्टर थे, वो सॉरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, विदेश मंत्री अभी अपने कौन है प्रेजेंट में, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये है एस जयशंकर जी, ठीक है, तो ये भारत के अभी प्रेजेंट में वो है, ठीक है। तो ये देखिए जो अभी प्रेजेंट में अपने 30th, ठीक है, जो अपने 30th एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर है, जो कि अभी इनकम्बिनेंट 235 दिन से कंटिन्यूअसली अपने वो है, क्लियर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, ठीक है, वो कौन से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछा जा सकता है कि पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थे, विदेश मंत्री कौन थे अपने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इनके पास क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये विदेश मंत्रालय भी इनके अधीन ही था, क्लियर। तो पहले जो मंत्री बन, ठीक है, पहला जो कैबिनेट था अपना, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो कैबिनेट था उसमें किसके पास कौन सा मंत्रालय था ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री थी, जो विदेशी संबंध थे, वो भी मंत्रालय किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब किसके अधीन थे, जवाहरलाल नेहरू के थे। उसके बाद आप ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर, ठीक है, होम एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट मिनिस्टर उस टाइम कौन थे,
पहली कैबिनेट, ठीक है, ये फर्स्ट कैबिनेट है जो जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक है, जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी भारत की जवाहरलाल नेहरू की, वो उसी में है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं होम मिनिस्टर। उसके बाद आप थर्ड देखिए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद आप जो देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, क्लियर। उसके बाद आप ये देखिए जॉन मथाई, ठीक है, भारत के पहले रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपके सरदार वल्लभ देव, ठीक है, वल्लभ देव सिंह फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद जगजीवन राम, ठीक है, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर, और फिर सीएच बाबा जो कि फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये तो जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी भारत की, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी कैबिनेट में ये सब थे। अब अपन देखते हैं कि आज प्रेजेंट में कौन कौन सा पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आप जानते हो राजनाथ सिंह, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन, ठीक है। राजनाथ सिंह के पास आप जानते हो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, और सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, जो अभी नया आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन बनाया उसके पहले ही मंत्री कौन बने आपके, अमित शाह, ठीक है। अभी भारत सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, सहकारी मंत्रालय, तो उसी के पहले मंत्री बने आपके अमित शाह, ठीक है। नितिन गडकरी आप जानते हो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, ये डीवी सदानंद सोनेवाल जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। सीतारमन जी को आप जानते होंगे वित्त मंत्री हैं भारत के। नरेंद्र सिंह तोमर जी आप जानते होंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उनके पास है, ठीक है। तो आप ये देखिए प्रेजेंट में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है अपने, रक्षा मंत्री, क्लियर। जो जो इंपॉर्टेंट वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड आपका ये है, ये आपके हैं सवानंद सोनेवाल, क्लियर। और देखते हैं अपन और कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक और न्याय मंत्री अभी आपके कौन से, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके नागरिक उड़यान मंत्री, क्लियर। और ये देखिए अश्विनी कुमार वैष्णव, ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में रेल मंत्री हैं, ठीक है। तो ये अभी जो प्रेजेंट में जो पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं अपन ने सारे देख लिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा मंत्रालय लेके है अभी, किसके पास कौन सा मंत्रालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्लियर। तो पूरा अपने होलिस्टिक देखा आपने, देखा फर्स्ट कैबिनेट भी देखा और प्रेजेंट कैबिनेट भी देख लिया अपन ने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम होम डेट इंडिया बाय अ फाइटर हेलीकॉप्टर नेम्ड अपाचे, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है, क्लियर। हिंदी में देखिए, भारत ने अपाचे नामक लड़ाकू हेलीकॉप्टर किससे खरीदे हैं, रूस से खरीदे, अमेरिका से खरीदे, इसराइल से खरीदे या फ्रांस से खरीदे, ठीक है। आप जानते होंगे दुनिया का एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है अपाचे, वो इंडिया ने किससे खरीदा है आपका, अमेरिका से, ठीक है। तो ये आपको लिखा होगा अपाचे हेलीकॉप्टर। ये देखिए, इंडिया बॉट 22 अपाचे एंड 50 चीनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर वर्थ ₹3 बिलियन फॉर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, विद यूएसए, ठीक है। यूएसए में डील हुई 2015 और अमेरिका का है ये अपाचे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि अपाचे किससे है, ठीक है। आपसे इसके अलावा दूसरा पूछा जा सकता है कि इंडिया ने S-400 किससे खरीदा है, ठीक है। तो S-400 इंडिया ने किससे खरीदा आप जानते होंगे रशिया से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, रशिया से। इसके अलावा, ठीक है, तो इंडिया के साथ आपके काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं रशिया के डिफेंस में, तो इंडिया ने जो ये है S-400 ये किससे खरीदा है, रशिया से, ठीक है, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक है। कुछ बहुत से जो इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है आपसे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्लियर। तो अपन पूरा देखेंगे कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पूरा डिटेल में देखेंगे अपन। हिंदी में देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान स्थित है, मैसूर में है, पटियाला में है, उज्जैन में है कि नागपुर में है, ठीक है। तो जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका कहाँ, नागपुर में सिचुएटेड, ठीक है, जिसे नेहरी बोला जाता है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, ठीक है, ये आपका नागपुर में है। ये देखिए द CSIR, ठीक है, जो साइंटिफिक सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसी की एक ब्रांच, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, नागपुर में, जो कि 1958 में बनाया गया, ठीक है। तो ये सबसे ये फोकस करता है आपका, इसका जो मेन काम होता है वाटर सप्लाई को मैनेज करना, सीवेज डिस्पोजल को मैनेज करना, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह को वो करना, ठीक है। आप जानते होंगे मेंस में आपका एक टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, तो उसमें आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट जो जो भारत में जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और ये कहाँ पे लोकेटेड है ये अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे IARI, ठीक है, जो आपका है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे है, उत्तराखंड में, क्लियर।
इसके बाद आपका नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका महाराष्ट्र में। इसके बाद इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेटरनरी आप जानते होंगे जो जो पशुओं की आप ट्रीटमेंट करते हो ना, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है जी आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जी आपका न्यू दिल्ली में। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जो आपका कटक उड़ीसा में, ठीक है। ये अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें आपका पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में, क्लियर। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका उत्तराखंड देहरादून, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो आपका ये उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका उत्तर प्रदेश में, क्लियर। इसके बाद आप ये देखिए नेहरी, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारे जो जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के रिसर्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनकी लोकेशन याद रखनी है, कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस कॉमेमोरेशन डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, हिंदी में देखिए, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, 12 फरवरी को, 22 मई को या 21 अक्टूबर को, ठीक है। तो पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है हर साल 21 अक्टूबर को, ये देखिए पुलिस कमेमोरेशन डे, ठीक है, ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर को, ठीक है, हर साल 21 अक्टूबर को, टू होमेज पेड 8 मार्टर्स लेड डाउन देयर लाइफ्स इन द ड्यूटी ऑल अराउंड, ठीक है, जिन्होंने भी अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी, उनको रिमेंबर करने के लिए 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलर जेल इज लोकेटेड, इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे इतिहास से रिलेटेड है कि सेलुलर जेल, ठीक है, काफी ज्यादा जिसको अपन काले पानी की सजा भी बोलते थे, तो वही सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। आप जानते होंगे भारत के जितने बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अंग्रेजों ने बहुत कठोर कारावास दिए, कठोर उनको इम्प्रिजमेंट दिए, और वो उनको कहाँ ले जाते थे, सेलुलर जेल में ले जाते थे, ठीक है। तो ये सेलुलर जेल लोकेटेड कहाँ पे, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये सिलवासा में लोकेटेड है, पोर्ट ब्लेयर में, दमन में है कि पणजी में है, ठीक है, तो ये कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको सेलुलर जेल, जो कि आज एक अब म्यूजियम बन चुका है, क्लियर। ये देखिए द सेलुलर जेल सिचुएटेड एट अटलांटा पॉइंट इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में आपका लोकेटेड है ये, और जो कि कैपिटल है आपकी अंडमान एंड निकोरबा, ठीक है। आपका जो अंडमान एंड निकोरबा इज वन ऑफ द स्पॉट ऑफ इंडिया दैट हैव लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। आप जानते होंगे ब्रिटिश रूल से इसके बहुत सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी अपने फ्रीडम फाइटर, जो भी भारत आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद करता था, उसको बोलोगे इस यहाँ पे काला पानी की सजा देते थे। द जेल इज सराउंडेड बाय काला पानी और ब्लैक वाटर, ठीक है, तो इसीलिए इसको काला पानी की सजा भी बोलते थे, ठीक है। ये देखिए लिस्ट है पूरी इंडियंस की फ्रीडम फाइटर, ठीक है, सेलुलर जेल्स, ठीक है, जो सेलुलर जेल में थे, तो पूरी लिस्ट है क्या, बॉम्बे से, पंजाब से, ठीक है। तो ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, आप देख रहे होंगे भारतीय जो सेनानी है, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी, अपने सेक्रीफाइस किया है भारत को आजाद कराने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट पुष्कर फेयर इज हेल्ड, किस राज्य, हिंदी में देखिए, किस राज्य में पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। इसमें अपन मध्य प्रदेश के पूरे मेले देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे मध्य प्रदेश के मेले और त्योहार आपके एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, किस राज्य में पुष्कर मेला लगता है आपका, मध्य प्रदेश में लगता है, गुजरात में लगता है, उत्तराखंड में लगता है कि राजस्थान में, ठीक है, तो आपका कहाँ पे लगता है, राजस्थान में, ठीक है। ये देखिए द पुष्कर मेला इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट दैट टेक प्लेस इन राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान में लगता है आपका पुष्कर मेला, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द पुष्कर कैमल फेयर, ठीक है, तो इसको पुष्कर कैमल फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, कार्तिक और पुष्कर का मेला, ठीक है, जो कि आपका लाइफ स्टॉक फेयर एंड कल्चरल फेयर है, जो कि आपका कहाँ पे होता है, पुष्कर राजस्थान में, क्लियर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले होते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट मेले वो एक एक करके देखते हैं अपन, ठीक है। सिंगस्त, आप जानते हो कहाँ पे लगता है, उज्जैन में, ठीक है। सिगाजी का मेला जी पश्चिमी निबाड़ खरगोन, ठीक है। इसके कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निबाड़ खरगोन, क्लियर। तेजा जी का मेला गुना, ठीक है, शहीद मेला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मेले हैं, ठीक है। जागेश्वरी देवी का मेला, ठीक है, चंदेरी, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट अपन पूरे देखते हैं। हीरा भूमिया का मेला गुना, क्लियर। सिद्ध बाबा का मेला शिपरी, ठीक है। चांदी देवी का मेला, ठीक है, सीधी, क्लियर। इसके बाद आप ये देखिए नागा जी का मेला मुरैना, ठीक है। साहबुद्दीन औलिया इसका नीमच, ठीक है। धामोनी उर्स का मेला सागर, ठीक है। पीर बुदान का मेला शिपरी। शिवरात्रि का मेला अमरकंटक, क्लियर। इसके बाद कुंभ का मेला उज्जैन अपन देख लिया। मेहर का मेला सतना, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट अपन देखें, सोनागिर का मेला आप जानते हो दतिया। फिर बरमान का मेला आपका जो होता है गंडरा
गंडरा बारा, ठीक है, नरसिंहपुर में ये। फिर आपका मानदाता का मेला खंडवा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जाट शंकर का मेला छतरपुर में, आपका जल बिहारी का मेला छतरपुर में, ठीक है, चांदी देवी का मेला आपका सीधी में, ठीक है। तो ये जितने भी आपको ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेजर फेयर दिख रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कई बार पूछा गया कि कौन सा मेला लगता है और आपसे ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज, जो भी जिस पर भी टिक लगे हुए हैं आपको एज इट इज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपके लिए काफी ज्यादा हैंडी रहेगा बाद में रिवाइज करने के लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज, हिंदी में देखिए, सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है आपका, यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है कि अफ्रीका है, ठीक है। आप जानते होंगे कि जो दुनिया में क्या 7 द्वीप हैं, उन्हीं में सबसे घना आपका कौन सा आबादी वाला है, आपका एशिया, ठीक है। एशिया सबसे हाईली डेंसेस्ट पॉपुलेशन है। ये देखिए एशिया अ लैंडमार्क, ठीक है, डिस्क्राइब एज द पार्ट ऑफ यूरेशिया ऑफ द अर्थ, लार्जली एंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलस है, सबसे ज्यादा घन आबादी वाला आपका यह, ठीक है। आपको जो दिखते होंगे जो महाद्वीप आपके कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन सब में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड क्या है आपका, एशिया, क्लियर। तो ये देखिए अपन ने केवल एशिया देखा, हमारा पूरा देखते हैं, ठीक है। तो एशिया देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है और डेंसिटी वाइज भी सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है और पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज भी सबसे बड़ा है। इसके बाद अफ्रीका दूसरे नंबर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, क्लियर, पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड नंबर पे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यूरोप, ठीक है, यूरोप थर्ड नंबर का सबसे बड़ा है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका साउथ अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और आखिरी में आपका अंटार्कटिका, क्लियर। तो ये आपको दिख रहे होंगे, क्लियर। तो ये देखिए पॉपुलेशन वाइज सबसे, डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा आपका एशिया, फिर आपका दूसरे पे अफ्रीका, फिर आपका यूरोप, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और फिर आपका लास्ट में ओशियाना। और आप जानते होंगे कोई भी पॉपुलेशन हैबिटेट नहीं है आपकी अंटार्कटिका में, यहाँ केवल रिसर्च, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैस फॉर एटमोस्फियर वार्मिंग, ठीक है। आप जानते होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में आप सबसे बड़ा फैक्टर आप जानते होंगे ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है या आप जिसको क्या बोला जाता है भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो उसमें से कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ठीक है। इन्हें देखिए, भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग हेतु ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में कौन उत्तरदायित्व नहीं है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आप जानते होंगे कि जो सन रेज आती हैं, ठीक है, सन रेज में से क्या होती हैं, दो रेज आती हैं, आपकी एक शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, एक लॉन्ग वेव, ठीक है। तो कुछ क्या होती है, कुछ को तो ये क्या धरती एब्जॉर्व कर लेती है, फिर क्या करती है, जितनी उसको जरूरत होती है एब्जॉर्व कर लेती है, बाकी ये रेडिएट बैक या रिफ्लेक्ट कर देती है। मगर जो ग्रीन हाउस अपन जानते होंगे, जो अपन जीवाश्म फॉसिल जलाते हैं उनकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लेयर बन जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो क्या करती है इसको एस्केप आउट नहीं होने देती है और वापस काय में भेज देती है अर्थ पे। अर्थ पे वापस भेजने से क्या हो जाता है, इसका ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाता है पूरी धरती का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजर पोर्शन आप जानते होंगे सबसे ज्यादा जो H2O जो कि आपका वेपर फॉर्म में है, या फिर इसको अपन वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर ही आपका सबसे बड़ा कॉजिंग एजेंट है आपका ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है। उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, मीथेन देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड देख लीजिए और फ्लोरिनेटेड गैसेस देख लीजिए, ठीक है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड रहता है बहुत माइनर क्वांटिटी में रहता है, ठीक है, इसलिए आपका ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आप जानते होंगे योगा भारत की दुनिया को देन है एक योगा, तो उसकी यूनिवर्सिटी बनाई गई है भारत में, तो आप जानते होंगे कि बनाई गई है, मगर विदेश में सबसे पहली यूनिवर्सिटी योगा की कहां पे बनाई गई है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। हिंदी में देखिए, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो कहां पे, पेरिस में है, फ्रांस में है, पेरिस के फ्रांस में है, लॉस एंजलिस अमेरिका में है, तल अबीब आपका इसराइल में है, कि ओसाका जापान में है, ठीक है। तो कहां पे बनाई गई है ये आपके, लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। तो ये देखिए, द संस्कृत नोन एज योगा इज डाइव फ्रॉम, ठीक है, तो आप जानते होंगे जो योग है आपका, जो ऋग्वेद से शब्द लिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी इज द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, भारत के बाहर बनी हुई पहली आपकी यूनिवर्सिटी है जो भारत के बाहर बनी हो जो योगा से संबंधित है, ठीक है। और कहां पे बनी हुई, आपकी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, आपकी लॉस एंजलिस में बनी हुई है, क्लियर। तो आप जानते होंगे योगा क्या है, योगा दुनिया को एक देन है भारत की, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, एक ट्रेडिशनल मेडिटेशन प्रैक्टिस है, मगर आप जानते होंगे योगा भारत में एक खेल की तरह इसको है, क्योंकि आप जानते होंगे हाल ही में योगा का कंपटीशन हुआ है, योगा चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि योगा चैंपियनशिप भारत में अभी हाल ही में कहां पे हुई थी, ठीक है।
इसके लिए आप जानते हो एक मंत्रालय भी अपना आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय आपका डील करता है, जिसका आयुष मंत्रालय होता है वही योगा से भी डील करता है। तो आयुष आयुर्वेदिक, वाई से आपका योगा, ठीक है, यू से यूनानी, आर एस से सिद्धा, और एस से होम्योपैथी, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय डील करता है आपका इससे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो योगा चैंपियनशिप हुई थी तो ये भारत में किस राज्य में हुई थी, ठीक है, किस जगह पे हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है, ठीक है, तो फ्यूचर में भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में देखिए, ग्रेटा थनबर्ग कौन है, क्रिकेटर है, पर्यावरण रोही है, या पर्यावरण कार्यकर्ता है, या नेत्रहीन शिक्षिका है, ठीक है। तो आप जानते हो कौन है, एक बहुत ही फेमस पर्यावरण, ठीक है। तो आज ये इसका ये गलत आंसर है आपका, ये देखिए पर्वत, ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है, ये इसका अब ये नीचे सी वाला इसका करेक्ट आंसर, ये देखिए ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग हु इज ऑल्सो नोन एज चैलेंजिंग द वर्ल्ड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविट है। इसने इनका दुनिया ने नजरिया बदला और कहा कि आप डेवलपमेंट पे नहीं, आप एनवायरमेंट पे फोकस करिए, ठीक है। आपकी आप लोगों की वजह से आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप खुद तो डेवलप कर लेंगे मगर आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो किस पे डेवलप करेगी, ठीक है। तो ये बहुत जानी मानी चाइल्ड हैं जिनको जो कि पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेटा थनबर्ग इन 2020, ठीक है, स्वीडन की है ये, जो स्कॉटलैंड स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। और ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और ये आपसे क्वेश्चन रीजन पूछा गया है कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है, ठीक है। तो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन, ठीक है, स्वीडन नेशनल है जो कि आपकी पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको ये मिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है, आपने देखा होगा कि एनवायरमेंट भी था इसमें, इसमें हिस्ट्री भी थी, इसमें ज्योग्राफी भी थी, ठीक है। तो ये आपको पूरा होलिस्टिक इंडिया जीके के क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें भी आपको ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर। तो ये था आपका सेशन, होप आपको सेशन पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आई मैग्नस के ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना ना भूलिए। कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन तो जो नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।